दिल्ली प्रदेश भाजपा कार्यालय के बिजली के मीटर सर्किट में गुरुवार शाम करीब 4:15 बजे अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगने से हड़कंप मच गया। आग ज्यादा बड़ी नहीं थे, लेकिन स्पार्किंग के धमाके की आवाज से पूरे कार्यालय में हड़कंप मच गया। दरअसल गुरुवार का दिन था और सभी भाजपा कार्यालय में मौजूदा कार्यालय का स्टाफ और भाजपा के नेता अपने काम में व्यस्त थे। भाजपा कार्यालय के एक कोने में लगे बिजली के सर्किट पैनल में अचानक आवाजें आने लगी और धुआं उठने लगा। टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना भी भाजपा कार्यालय के मीडिया कक्ष में मौजूद थे। मीडिया कक्ष में उस वक्त अचानक बिजली जलने बुझने लगी। पूरे कार्यालय में मौजूद सभी लोग बाहर आ गए क्योंकि लाइटें और पंखे बंद हो गए थे। अच्छी बात ये रही कि आग भले ही शॉर्ट सर्किट से लगी, गनीमत ये रही किसी भी तरह का कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। क्योंकि दिल्ली में चुनाव का माहौल है, इसलिए पार्टी कार्यालय के ग्राउंड में एक बड़ा टेंट लगा हुआ है जिसमें बैठकें अक्सर होती रहती हैं, परंतु समय पर दमकल विभाग ने पहुंच पर आग पर काबू पा लिया। किसी भी तरह का बड़ा नुकसान होने की खबर नहीं है। टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना ने जब फायर विभाग के अधिकारी से बात कर इस आग की घटना के बारे में जानने का प्रयास किया, आग किन कारणों से लगी, सुनिए दमकल विभाग के अधिकारी ने इस पर टोटल खबरें के साथ बातचीत के दौरान क्या कहा। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की इसे विशेष रिपोर्ट। आपका नाम सर? मेरा नाम राजेंद्र है, फायर अफसर, सकाबगंज फायर स्टेशन। ये हमें 16:24:25 की कार मिली थी, बिजली के तारों में आग थी। हम अपने घटनास्थल पर पहुंचे तो यहाँ एक कमरा था, कमरे के अंदर ट्रांसफार्मर था, उसके अंदर आग थी बीजेपी में, जो हमने तुरंत आके अपने काबू में कर लिया। आग बुझा दी गई है, अब आग बुझ चुकी है। कितनी गाड़ियाँ सर आई है? गाड़ियाँ आई थी सफदरजंग की, रकाबगंज की, और एक स्टेशन होता है इसका पता नहीं, कंट्रोल द्वारा पता चलेगा कौन सा स्टेशन गाड़ी। सर कोई नुकसान हुआ कुछ? नुकसान तो ज़्यादा नहीं हुआ, जो मीटर बोर्ड था जो पूरा था पैनल उसी में आखिरी जो तुरंत काबू कर लिया गया। अच्छा। तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता था क्यों, उसके अस्पताल में काफ़ी सामान पड़ा हुआ था इनका, जैसे इलेक्शन के ड्यू इलेक्शन में उन्होंने काफ़ी सामान रखा हुआ है। यदि आग पकड़ ली थी तो आग अच्छी बड़ी हो सकती थी। हो सकती है। कितनी देर में आपने आग पे काबू पाया? 16:24 की कॉल मिली हमें 25 में, तो यहाँ पे 1-2 मिनट के अंदर 26-27 तक पहुँच गए थे और इन 5 मिनट हमने इस पर आग पर काबू पा लिया। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश कार्यालय द्वारा भी इस आग लगने की प्रतिक्रिया जारी करी है। बताया जाता है कि आग करीब 4:15 बजे लगी थी और दमकल विभाग और एनडीएमसी के कर्मचारियों द्वारा आग पर चंद मिनटों में ही काबू पा लिया था। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट।